ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी है, लेकिन सरकार ने भी ये साफ किया है कि वो ट्रिपल तलाक को ख़त्म करके रहेंगे। ऐसे में अगर सरकार के मंत्री की ओर से कोई बयान आए तो उसके मायने जरूर निकालने चाहिए। देश में ट्रिपल तलाक को लेकर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, तो वहीं महिलाएं भी आए दिन सामने आकर इसका विरोध कर रही हैं। सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक को लेकर अपना पक्ष रख दिया है। ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को सामने आकर इस मुद्दे को उठाना चाहिए। I only said first of all the society, the community should discuss it and come to some positive conclusion because that's the wish of the people. Actually, this has nothing to do with this religion or that religion. It's a issue of gender discrimination and gender justice. So I expected the society to come forward and then the give proper response to the same. Like I mentioned dowry, I mentioned sati sagamanam, I mentioned about balya vivaham, that is child marriage. All these things the society came forward and finally law also is made. Similarly, the Muslim community should come forward and then we must move towards ending this triple talaq, which is against the interest of the woman. ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों का बयान सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब इसका फैसला जब तक नहीं आ जाता तब तक बयान का आना आम है। आप भी जब अब ट्रिपल तलाक पर कोई बयान सुने तो पहले उसे अब राजनीति के चश्मे से ही देखें। NMF न्यूज की रिपोर्ट।